हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप लोग देख रहे हैं के नेक्स्ट टेक्नोलॉजी चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बिल्कुल 6 महीने के बाद जाके एक न्यू वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि 6 महीने तक मैं एक जॉब में बिजी था, तो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैं अब आ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ रेगुलरली अब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आज की जो एक न्यू वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। IK रिगिंग तो आपको पता है, एक न्यू अपडेट आया है 2.1 के अपडेट में प्रिज्मा 3D में, जिसके अंदर हम लोग IK रिगिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एनिमेशन है वो जल्दी हम कर सकते हैं उससे, ठीक है। पर लेकिन वो ना प्रॉपरली वर्क नहीं करती, पता है कैसे? वो सिर्फ जैसे कि एक पूरा मॉडल है तो उसी के अंदर ही वर्क करते हैं, हाथ पैर मुंह नेक, मतलब वो पूरा के पूरे एक मॉडल के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो जैसे कि हमने कोई एक हैंड मॉडल बनाया, उसके अंदर हम IK रिगिंग करना चाहते हैं तो नहीं होता, ठीक है। तो यही दिक्कत आ रही है। अब जैसे कि मान लो, जैसे हम ये सिंपली हम जैसे कि इसके अंदर हम 3 बोन ऐड करते हैं, तो इसके अंदर देखो IK रिगिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे हम इसको, जैसे कि हम दूसरा सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, जैसे दूसरा सिलेंडर लिया, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा करने के बाद मैं इसको ऊपर उठा के थोड़ा साइड में लेके आता हूँ, और इसके अंदर अगर जैसे मैंने ये वाला IK रिगिंग वाला करा इसके अंदर, तो इसके अंदर हम जैसे कि हम अपने पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, पर ये काम नहीं कर रहे, ठीक है, जिस प्रकार से हम करवाना चाहते हैं कि हम लोग एक ही बोन से ना एक अच्छा सा मूवमेंट दे सके मॉडल में, तो वो नहीं होता। ये लोग आप लोग देख सक रहे हो, कोई बिल्कुल कुछ मज़ा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मतलब हम एक बोन से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमें ऐसा कुछ ट्रिक देख रहा हूँ मैं, कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आप लोग किस तरीके से IK रिगिंग कर सकते हैं विदाउट वो ये IK रिगिंग वाला मॉडल चूज़ करके। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैंने कुछ खोजबीन करी है, और कुछ एक ट्रिक हाथ में लगी है मेरे हाथ में, कि मैं आपको सिखा सकूं कि आप लोग किस तरीके से IK रिगिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर देखो कि जैसे कि हम लोग ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस बोन के जो नीचे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। और आगे जो मैं दिखाऊंगा मैं आपको कि उसके अंदर वो करेगा, सिर्फ एक ही बोन से कंट्रोल कर पाएंगे हम, जिससे कि हमारा जो एनिमेशन है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगेगा एनिमेशन जब हम करेंगे इससे करेंगे ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा और परफेक्ट तरीके से काम भी नहीं करेगा एनिमेशन। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में लेके चलता हूँ, जिसके अंदर मैंने IK रिगिंग करा है, और मैं आपको उसके अंदर दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने काम करा है। ये देखो, एक है ये नूब वाला, एक है प्रो वाला, ठीक है। तो अभी देखो, नूब वाले में ना देख सकते हो आप कि अब जैसे कि मैं इस नूब वाले में अब जैसे कि बीच वाले बोन पे टैप करता हूँ, ठीक है, नूब वाले में बीच में टैप किया, अगर जैसे मान लो मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, इस बोन के नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा ना, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं है इसके नीचे वाले में, ठीक है। जैसे कि मान लो हम कोई हैंड बनाया और उसके अंदर हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इसके नीचे वाले पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे ही दूसरी ओर जैसे जो ये प्रो वाला है, अगर इसके अंदर हम लोग ये बीच वाले बोन पे टैप करके जब हम इसके अंदर मूवमेंट करेंगे ना, तो आप देखना हो कि उसके नीचे वाला पार्ट भी हिलेगा, इसमें नहीं हिल रहा। और अब जब मैं अब ये प्रो वाले का दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसके नीचे वाला पार्ट भी हिलेगा, कैसे वो ये देखिए कि अब जैसे कि इसके अंदर नहीं हिल रहा, तो मैं इस दूसरे वाले में अभी जंप करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे मैं आपको इस दूसरे वाले प्रो वाले पे आता हूँ, और ये देखिए जब मैं इसके बोन पे टैप करके इसको रोटेट करता हूँ, तो देखिए ऊपर के साथ साथ नीचे वाला बॉडी मूवमेंट हो रहा है। देखो इसमें नहीं हो रहा, इसमें देखो हो रहा है ना, हो रहा है ना, नीचे वाला हिल रहा है, देखो इसके अंदर नहीं हिल रहा, और ये देखिए इसके अंदर हिल रहा है। अगर आप लोग एनिमेशन, अगर आप लोग इस जो मैंने ये बोन ये प्रो वाले में यूज कर रखे, अगर आप इस तरीके से अगर एनिमेशन दोगे जो मैंने प्रो वाले में यूज कर रखे है, तो आपका एनिमेशन कितना इम्प्रूवमेंट होके निकलेगा, ठीक है। मैं यही चीज़ आपको बता रहा था। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है।
और जो इसका जो ये मैंने कैसे किया ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मेरे कुछ डाउट है ठीक है इसके अंदर, मैं वो सारे क्लियर करके ना जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊंगा मैं वो वीडियो ठीक है। जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दे, जल्दी आपके सामने वो वीडियो आने वाली है। जब तक के लिए बाय।